सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज मैंने अभी एक लाइव किया था, उसमें कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया था एंड वो लोग अपने डाउट्स भी पूछ रहे थे। बट जो अपना लाइव स्ट्रीमिंग था वो बीच में स्टॉप हो गया क्योंकि नेटवर्क प्रॉपरली आ नहीं रहा था। एंड मैंने जब सेकेंड टाइम स्टार्ट किया देन इंटरनेट कनेक्शन वीक होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो मैंने उस लाइव स्ट्रीमिंग में ये बताया था कि मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। क्या है वो गुड न्यूज़? तो गुड न्यूज़ ये है गाइस, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, मैं ग्रेट ईस्टर्न से अपना DNS कोर्स कर रहा हूँ। एंड अभी एक BSM कंपनी आई थी, बर्नहार्ड शुल्टेशिप मैनेजमेंट, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। उस कंपनी ने अपना एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू लिया है एंड अभी 4-5 दिन पहले भी BSM का रिजल्ट आया है। एंड थैंक्स गॉड आई एम शॉर्टलिस्टेड इन दैट। आउट ऑफ 46 कैंडिडेट्स 30 आर शॉर्टलिस्टेड बाय द BSM फॉर देयर कैडेटशिप। एंड फ्लीट भी आई थी ग्रेट ईस्टर्न में बहुत दिनों बाद, एंड फ्लीट ने भी अपने 4 बच्चे सेलेक्ट किए थे आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं कि BSM ने मेरे से क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा। तो देखिए, BSM ने मेरे से क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा, मोस्टली ये हुआ था कि जो हमें जितना कुछ पढ़ाया गया था ना, उन्हीं में से सब कुछ पूछा था। फर्स्ट सेम का जो सिलेबस था एंड उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड पार्ट्स थे, जो पहले के कुछ जो चैप्टर्स थे उन्हीं में से पूछ रहे थे। एंड बेसिक डेफिनेशन पूछ रहे थे एंड फॉर्मूले भी पूछ रहे थे उनसे रिलेटेड। एंड बिल्कुल अगर आप लोग को अगर वो क्वेश्चन आता नहीं है या अगर आप लोग उसको घुमाना चाहते हैं, घुमा के बता रहे हैं, देन कोई भी इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। एंड क्रॉस क्वेश्चन वो इसलिए करता है क्योंकि वो आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाहते हैं। अगर आप लोग को प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट का, देन वो लोग जान जाते हैं कि आप कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हैं। एंड तो चलिए जानते हैं कि अब 12th लेवल से भी क्या पूछा था क्वेश्चन। सो यस, 12th लेवल से भी पूछा था, बेसिक्स लॉस पूछे थे, लाइक मेरे से पूछा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड उसका एग्जांपल, एंड अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन भी करना था उसको। बस यही सब चीज़ें थी क्वेश्चन पूछा था BSM ने मेरे से। एंड बहुत ही ईजी था इंटरव्यू, ठीक है। एंड तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इसका क्राइटेरिया क्या था। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं कि BSM का क्या क्राइटेरिया था सिलेक्शन का। तो देखो यार, 80 स्टूडेंट्स हैं अगस्त बैच में एंड फैम में 40 स्टूडेंट्स आते हैं। तो आउट ऑफ 80 मैंने आप लोग को बताया 46 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था एंड 46 ने एग्ज़ाम दिया था एंड 45 ने इंटरव्यू दिया था एंड उसमें से 30 का सिलेक्शन हुआ है। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर ये है, सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है BSM का। सब ये जेम्स का प्लेसमेंट ऑफिसर डिसाइड करता है कि आपको किस कंपनी में बिठाना है, किस कंपनी में नहीं बिठाना है, ठीक है। एंड बात करते हैं PCM परसेंटेज की, तो जिसका 60% भी है ना, वो भी प्लेस्ड है BSM में, है मेरे फ्रेंड्स लोग। एंड जिसके ज़्यादा भी परसेंटेज है वो भी प्लेस्ड हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे 60% है, मेरे 62% है, मेरे 65% है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा BSM में। बिल्कुल हो जाएगा, परफॉर्मेंस सही रखो, बिल्कुल हो जाएगा प्लेसमेंट आप लोग का। एंड तो चलिए बात करते हैं, अगर उन बच्चों का सिलेक्शन जिस कंपनी में जेम्स ने बिठाया है, अगर उस कंपनी में सिलेक्शन उनका नहीं होता है, देन क्या होता है, उनको जिम्स रखती है अपने शिप पे, ट्रेनिंग देती है? सो इसका आंसर है नो, क्योंकि जिम्स आप लोग का प्लेसमेंट करवाना चाहता है। एंड जैसे ही कोई न्यू कंपनी आएगी, कोई नेक्स्ट कंपनी आएगी, वो उन अनसेलेक्टेड बच्चों को उन कंपनी में बिठा देगी, तो उन लोग का भी प्लेसमेंट हो जाएगा जो फर्स्ट कंपनी में बैठ चुके हैं एंड जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसा है सीन ग्रेट ईस्टर्न का। एंड लास्ट में जितने भी बच्चे बचते हैं, जो भी अपने 20-30 बच्चे बचते हैं, उनको जेम्स रख लेता है अपने पास। तो मैं आप लोग से एक छोटा सा इंसिडेंट भी शेयर करना चाहता हूँ। इंसिडेंट ये है कि मैंने अगस्त 22 बैच में TMI में भी अप्लाई किया था। आप लोग जानते ही होंगे कि TMI भी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है
जो कि DNS कोर्स करवाता है, एंड इस कॉलेज में कंपनीज बाहर से आती हैं। एंड टी यूराइड यानी कि तुलानी शिपिंग एंड BSM भी आई थी। एंड मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि तुलानी का मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट भी क्लियर था। एंड जिन बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर होता है, तुलानी वाले उन बच्चों का डाटा कंपनीज को भेजते हैं। एंड कंपनीज को डाटा मेरा गया होगा या नहीं गया होगा आई डोंट नो, बट मेरे को किसी भी कंपनी से रिस्पॉन्स नहीं आया था। उस टाइम तो मेरे को ये लगता था कि मेरा तुलानी शिपिंग से रिस्पॉन्स आएगा एंड मैं तुलानी में ही जाने वाला हूँ। एंड फिर जब रिस्पॉन्स नहीं आया तुलानी शिपिंग से, देन उसके कुछ दिन बाद BSM आई थी। एंड अब तो लग रहा था मेरे को BSM भी शॉर्टलिस्ट कर लेगी फॉर देयर इंटरव्यू, बट BSM ने भी मेरे को शॉर्टलिस्ट नहीं किया। देन हमारा सिलेक्शन ग्रेट ईस्टर्न में हुआ एंड ग्रेट ईस्टर्न में आगे यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हो गया BSM में ही। अब देख लो गाइस, किस्मत कहाँ से कहाँ ले गई है। चाहे यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, कान आपने पकड़ा ही। एंड आज 2.5 महीने बाद हम लोग जा रहे हैं शोरली पे। एंड अगर मैं कुछ शूट करूँगा देन आई विल शेयर विद यू। एंड होप सो मेरी वीडियोज़ आप लोग को पसंद आती हैं। अगर नहीं पसंद आती है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उन एरियाज़ पे अपना इम्प्रूवमेंट करूँगा। एंड अगर अच्छी लगती है वीडियोस देन आप लोग लाइक कर सकते हैं। एंड जो अपना शोर लीव है 2 आवर्स का है, तो गुड न्यूज़ यही है कि भाई आप लोग के भाई का सिलेक्शन हो गया BSM में। एंड मैंने आप लोग को BSM का सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप सो आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। ओके बाय बाय, टेक केयर।